हेलो गाइस, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूँ जो आपको पसंद आएगा, आपके आपका मनोरंजन भी करेगा थोड़ा, और आपको कॉन्फिडेंस भी देगा कि कुछ मुझे करना ही है। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं आपको आखिर तक सुनना पड़ेगा, तभी आपको पहले से जो मैं बताने वाला हूँ वो आखिर तक सुनने के बाद ही समझ में आएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो मैं आपका दोस्त विशाल पाटिल आपके साथ हूँ, और आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। ठीक है, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो मुझे खुद को पता नहीं है कि आज का टॉपिक क्या है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे टॉपिक का पता नहीं होगा। इसलिए सर थोड़ा सस्पेंस तो बनता है ना, इसलिए आपको लास्ट तक देखना होगा इस वीडियो को। तो चलिए मैं आपको टॉपिक की हिंट दे देता हूँ कि हमें समझ लीजिए कि आप घबराते हो बोलने के लिए। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ कैमरे के सामने या किसी के सामने, मैं कैसे बोल पा रहा हूँ? मेरे पास थोड़ा फार तो जो लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस है मेरे पास, इसलिए मैं तो बोल पा रहा हूँ। लेकिन मुझे इसको कैसे इम्प्रूव करना है और कैसे मैं अच्छा बोल सकता हूँ, कैसे मैं अच्छा आपके सामने एक्सप्रेस हो सकता हूँ कि मेरे जो थॉट्स है वो मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ये अपना टॉपिक है। हमारे जो थॉट्स होते हैं यानी कि हमारा जो कोर कॉन्फिडेंस होता है उसको कैसे टैकल करें, और हम जो कोई भी सिचुएशन आती है या कोई भी सिचुएशन आती है जो हम ओवरकम कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग आवर कॉन्फिडेंस। सो लेट्स बिगिन। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले, हम कुछ प्रैक्टिकल तरीके जानने वाले हैं कि हम हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा तरीका होता है कि खुद को जानना। पहला क्या तरीका है, हम खुद को जानना पड़ता है भाई। जब तक हम खुद को जानेंगे नहीं, जब तक हम खुद को समझेंगे नहीं, तब तक हम कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने थॉट्स को दूसरों के पास। हमारे जो विचार्स होते हैं वो दूसरों को कैसे समझा पाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज भी है, कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन उसको एफिशिएंट वे में यानी प्रॉपर वे में आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा उस नॉलेज का। इसलिए खुद को जानना, खुद को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए एक्सप्रेस करना खुद को बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आपको ये एक स्किल होता है, वो सीखना पड़ेगा तभी आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे। लेकिन ये कैसे होगा, ये होगा कॉन्फिडेंस बढ़ा के। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाओगे, चलिए मैं प्रैक्टिकल तरीके आपको बताता हूँ। तो पहले आपको कीजिए कि खुद से बातें कीजिए। लोग बोलेंगे आप ये पागल हो गए, वो छोड़ दो, लेकिन आपको खुद से बातें करना पड़ेंगी। खुद से बातें करनी ही पड़ेंगे तभी आप अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बढ़ा पाएंगे। दूसरा जो प्रैक्टिकल तरीका है वो है मिरर इमेज प्रैक्टिसिंग, यानी कि जो आप किसी आईने के सामने होकर बात करते होगे। आप किसी भी फिल्म में या कोई भी इंटरव्यूअर को देखा होगा कि वो अपने जो वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है खुद को कि किसी भी मोबाइल के सामने या किसी अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके जैसे मैं भी कर रहा हूँ, या कोई भी मिरर के सामने वो बोलने लगता है तभी उसको समझ आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और कहाँ पर मुझे ये बोलना नहीं चाहिए और मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ये सब समझता है। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड भी करते हो ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला था और मुझे क्या बोलना था। आप समझ जाओगे कि मुझे कहाँ पर रुकना था, कहाँ पर रुकना नहीं था, और कहाँ पर डरना था, कहाँ पर डरना नहीं था। डरना मतलब कहाँ पर पॉज देना था। तो ये सब आपको कैसे आएंगे, जब आप अपने स्किल को इम्प्रूव करोगे, यानी जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ये ऐसी चीज़ नहीं कि अचानक से बढ़ जाएगी। ये कैसे होगा, जब तक आप खुद को प्रैक्टिस में डालोगे नहीं, जब तक आप दूसरों के सामने अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तब तक आपका नॉलेज का कुछ फायदा नहीं है। इसलिए खुद को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी हम कैसे कर सकते हैं कि जो अननोन पर्सन होते हैं, या जो अभी मैं दूसरी प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। आपको अंग्रेजी नहीं आती, समझ लीजिए आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो कैसे, यानी कि जो ओमेगल ऐप है उस पर आप जो अननोन पीपल होते हैं उनके साथ बातें कर सकते हो, या तो चाहे हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, यानी कि जो आपको सूझ रहा है, जो आपको थॉट्स आ रहे हैं वो सिर्फ एक्सप्रेस करने हैं इंग्लिश में। एक्सप्रेस करोगे तभी तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। यानी कि आपको ये समझना है कि अननोन पर्सन के सामने हमें बातें करते वक्त हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो हमें खुद ब खुद बढ़ते चले जाएगा। लेकिन आपको पहले शुरुआत तो करना पड़ेगी ना। जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तब तक कैसे बढ़ेगा यार, शुरुआत करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं
दूसरा जो प्रैक्टिकल तरीका बताया ओमेगा लैब का, आप यूज कीजिए। आप तो ऐसे ही मजे के लिए यूज करते हो, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में आप यूज कर सकते हो। कैसे, मैंने बताया आपको, आप प्रैक्टिस कर सकते हो बोलने की। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। जब तक आप बोलोगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि मुझे क्या करना है। इसलिए बोलना और पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही होगी तो लाइक कर देना। और आगे बढ़ते तीसरी चीज़ की तरफ, हम ये क्या कर रहे हैं अभी, आपको समझ लीजिए, आपको बोलना नहीं आता, आपको कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि आपको पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखनी है, तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा कि आपको जो दोस्त होंगे उनके सामने आप एक कीजिए कि आप अपना जो मोबाइल है वो लेकर जाइए और उसको ऐसा लैंडस्केप मोड में यानी कि जो सेल्फी के मोड में वीडियो कैमरा चालू कर दीजिए और ब्लॉग बनाना चालू कर दीजिए। यानी कि जो मिनी ब्लॉग होते हैं, आप एक मिनट का ब्लॉग बनाइए उनके दोस्तों के साथ, यानी उनको बताया कि मैंने कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरा जो स्किल होगा वो बढ़ जाए। इसलिए आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ ऐसा करना है कि आप उनको भी सिखा सकेंगे और खुद भी सीखेंगे। इसलिए आपको मैंने तीन चीज़ें बताई है, आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपने ये वीडियो सुन लिया है, समझ लिया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहला तो आपको खुद को समझना है, दूसरा ओमेगा लैब का, और तीसरा ब्लॉग बनाते जाना है। ये तीन चीज़ें आपको एफिशिएंट वे में करनी है, तभी आप अपना खुद का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा धीरे धीरे बढ़ जाएगा और आप कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में हासिल जरूर करोगे। तो चलिए मिलते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते यहाँ पर, और किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे आपको जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय।